बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप 9 महीने बाद जेल से बाहर आ गए हैं। पटना के बेउर जेल से बाहर आने के बाद मनीष के समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मनीष के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई और वो खुली गाड़ी में बैठकर वहां से समर्थकों के हुजूम के बीच से निकलते दिखे। बता दें कि तमिलनाडु में बिहार के लोगों के साथ कथित हिंसा का फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने के मामले में पुलिस ने मनीष कश्यप को पकड़ा था। उन पर तमिलनाडु और बिहार में कई अलग अलग मामले दर्ज किए गए थे। इसकी वजह से वो पिछले 9 महीने से तमिलनाडु और बिहार के अलग अलग जेलों में बंद थे। अब आरोपी यूट्यूबर की शनिवार को जेल से रिहाई हो गई। दरअसल पटना हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। पटना बेउर में रिहाई के लिए जरूरी कागजात मिल जाने के बाद शनिवार दोपहर करीब 12:15 बजे वे जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर निकलने पर उनके समर्थकों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। बेउर जेल के बाहर बड़ी संख्या में मनीष कश्यप के समर्थक भी पहुंचे थे। मनीष कश्यप के जेल से बाहर आने पर उनके प्रशंसक काफी खुश नजर आए। मनीष कश्यप एक खुली गाड़ी में बैठकर काफिले के साथ निकले। इस दौरान अलग अलग जगहों से आए मनीष के समर्थक उनसे हाथ मिलाने और माला पहनाने को लेकर बेताब दिखे। जेल से बाहर निकलने के बाद मनीष कश्यप अपने पुराने अंदाज में दिखे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे डरने वाले नहीं हैं। मनीष ने कहा, कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि वो डर कर पत्रकारिता छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं है। कलम के सिपाही किसी से डरते नहीं हैं, किसी का मर्डर या चोरी नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद मुझे जेल में डाल दिया गया, काला पानी की सजा दी गई, तमिलनाडु जेल भेज दिया गया। ऐसा व्यवहार किया गया जैसे किसी आतंकवादी के साथ की जाती है। जेल से बाहर निकलने के बाद मनीष कश्यप ने कहा कि वे अपनी माँ से मिलने अभी गांव जाएंगे। बता दें कि मनीष कश्यप पूरे 9 महीने बाद जेल से रिहा हुए हैं। बिहारियों की कथित पिटाई का फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने के आरोप में तमिलनाडु पुलिस और बिहार पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की थी। तमिलनाडु सरकार ने तो मनीष के खिलाफ NSA तक लगा दिया था। तब उन पर तमिलनाडु में 6 और बिहार में 7 मामले दर्ज किए गए थे। तमिलनाडु सरकार के NSA के खिलाफ यूट्यूबर मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। तमाम दलीलों और बहस के बाद मनीष को आखिरकार राहत मिली। इसके बाद धीरे धीरे उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में सुनवाई के बाद उन्हें राहत मिलती गई। और फिर पटना हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद बताया जा रहा था कि शुक्रवार को ही उनके जेल से बाहर आने की संभावना थी, लेकिन कुछ कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण कल रिहाई टल गई थी। लेकिन अब मनीष कश्यप जेल से बाहर आ गए हैं। 9 महीने बाद उन्हें खुली हवा में सांस लेने का मौका मिल गया है।